सुबह सुबह 7-8 बजे रेडी होके आ गया तो मुझे हलोंग में जाना है और पिकअप है यहाँ पर, पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। दादा कुछ ओपनली खैम कुछ कुछ जगह में पता नहीं था क्या मिल रहा है, ओपन यहाँ पर सैंडविच जैसे मिलता है पाव बोलते बन। ये डीलक्स लग्जरी बसेस हैं एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये जो ब्रिज है ये हनोई के आउटस्कर्ट्स में है एंड इसको भी फ्रेंच के आर्किटेक्ट ने बनाया है जिसने कि एफिल टावर बनाया था, तो ये सेम आर्किटेक्ट है एफिल टावर वाला। मैंने जो टूर पैकेज बुक कराया था ये मैंने हनोई से बुक कराया था, तो यहाँ से 3 घंटे की जर्नी है हलोंग बे के लिए, फिर वहाँ से 3 घंटे का टोटल क्रूज़ जर्नी होगा एंड रिटर्न भी 3 घंटे, तो टोटल 9-10 घंटे की जर्नी है जिसमें से 30 घंटे की क्रूज़ राइड है। तो फाइनली हम लोग बोर्डिंग पॉइंट पहुँचने वाले हैं, फिर यहाँ से हमारा जो बोट है वेट कर रही होगी। ये सारी छोटी बोट्स हैं एंड ये सिर्फ डे क्रूज़ के लिए हैं, इसमें मतलब रुकने की फैसिलिटी नहीं है एंड जैसे बाकी जो बड़े क्रूज़ बोट हैं उसमें केबिन्स हैं वगैरह हैं तो रात को रह सकते हो, बट मैंने डे पैकेज लिया है तो इसीलिए उसमें सिर्फ सीटिंग वाला ही है। तो बोट के आते ही इन्होंने ग्रुप्स बना के हमें यहाँ पर सेटिंग करा दिया एंड उसके बाद इंस्टेंट इन्होंने लंच सर्व कर दिया है एंड लंच में काफ़ी बड़ा वेज एंड नॉन वेज का मेन्यू है। इस बोट पर बैठते ही ये बोट निकल पड़ी है, मतलब बेसिकली 5 मिनट में ही निकल गई होगी। रास्ते में और भी काफ़ी सारे बोट्स आ रहे हैं हलोंग के लिए। हलोंग पे के टूर में ड्रैगन फ्लाई क्रूजिंग सर्विस है के साथ में मैंने डे टूर बुक किया है, क्योंकि अगर मैं ओवरनाइट वाले स्टे में आता है तो मुझे 2 लोगों का पेमेंट करना पड़ता है जो कि अप्रॉक्स 350-400 US डॉलर हो जाता है। डे टूर में भी सेम एरियाज में लेके जाते हैं एंड सेम एक्टिविटीज़ कराते हैं, जस्ट डिफरेंस इतना है कि आप लोगों को यहाँ पर हलोंग में रात में बोट में रुकने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं है, अभी काफ़ी सीधी जगह है। फाइनली हम लोग चेटी पॉइंट पहुंचने वाले हैं। यहाँ सी के बीच में एक छोटा सा जेटी पॉइंट बन रखा है जहाँ पर बहुत सारी बोट आके रुकी हुई है, पर ड्रोन से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस शूट कर लेता हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर हम लोग पास कैकिंग में जाने का ऑप्शन भी है एंड बोट राइड पर जाने का भी ऑप्शन है। बट थोड़े दिन पहले मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बोट राइड में ही चला जाता हूँ। ये जो सामने रॉक देख रहे हो ये वियतनाम की करेंसी में भी है ये प्रिंटिंग। ओके ठीक है, इमेज है ये वाली वियतनाम की करेंसी में। बोट राइड करने के बाद हम लोग ट्रैक पे निकल गए हैं। छोटा सा वॉक है इसलिए ट्रैक पे नहीं बोल सकते, केव पे ले जाएंगे। ये काफ़ी बड़े केव हैं अंदर एंड पुराने ज़माने में जब यहाँ पर सेलर्स आते थे एंड कोई आंधी तूफान आता था तो सारे जो फिशरमैन एंड जो सेलर्स होते थे इसके अंदर आके तूफान एंड साइक्लोन जाने का वेट करते थे। हम लोगों को रिटर्न जाने का टाइम हो गया है एंड ये सामने वाली ब्लू वाली बोट है इसमें हम लोग आए थे। इस बोट में मैं अभी ऊपर आया था एंड मैंने नोटिस किया कि हमेशा बाकी की जो जितने भी मेरे साथ में बोट पैसेंजर है हुए हमेशा बोट के अंदर बैठे रहते हैं एंड कोई बाहर नहीं निकलता। तो मुझे लगा मे बी जब बोट चल रहा है तो बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने बोट के कैप्टन से जाके पूछा तो बोला नहीं आप लोग बाहर जा सकते हो, तो इसलिए मैं बाहर आ गया एंड बाकी लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। चलती बोट से भी मैंने कुछ ड्रोन के वीडियो शूट किए हैं। तो फाइनली हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने वाले हैं जहां से हमारी बोट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। फाइनली हनोई का डेट खत्म हो गया, अभी ये लोग वापस ड्रॉप करते हैं हनोई में। ऐसे ढाई पाँच तीन घंटे का रास्ता। तो इस वाली बस में हम आए थे एंड काफ़ी अच्छी बस है ये। ये सामने हनोई का सबसे बड़ा पोर्ट है, बेसिकली हनोई में तो नहीं है, हनोई से दूर है थोड़ा सा। कल आफ्टरनून में मेरी नोई से दनान की फ्लाइट है तो मॉर्निंग में मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा फ्री, तो मैं कल मॉर्निंग में घूमने निकलूँगा। तो अभी हनोई में एक लेक है वेस्ट लेक करके, उसके पास आया हूँ। लेक तो बड़ा है बट हाँ, अगर जैसे आप थाईलैंड वाइन घूम रहे हो हर जगह हलोंग वे भी जा रहे हो तो इसमें इतना मज़ा तो नहीं आएगा, बट इससे अगर टाइम है तो आ सकते हैं यहाँ पर। मॉर्निंग में थोड़ा वैसे काफ़ी मिस्टी है, विंटर के टाइम में ओवरकास्ट कंडीशन रहता है हमेशा, मिस्टी है तो काफ़ी टाइम था एंड देन यहाँ पर लोग फिशिंग करते रहते हैं तो उसी को देख के एंटरटेनमेंट हो जाता है। क्या समझ में नहीं आया, सारे लोग ना मछली पकड़ रहे हैं, एक बंदा आ रहा है जो सबको पैसे देकर उसे मछली ले ले रहा है और उसका वो छोड़ दे रहा है मछली के बाद काफ़ी प्लेट में।
सो आज आफ्टरनून दनांग की फ्लाइट है एंड वहाँ से दनांग से मैं डायरेक्टली होयान चले जाऊँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होयान एंड दनांग का दिखाऊँगा। वीडियो